हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एडिशनल बायोलॉजी वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा जो पहले के एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे रहे थे काफ़ी सारे स्टेट्स, और उनको अगर एडमिशन दिया गया था तो उनको ऐसा बोलकर दिया गया था कि ये प्रोविजनरी एडमिशन है और हो सकता है कि बाद में वो कैंसिल हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था और केस का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो रिजल्ट पे ये आया कि एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हैं वो लोग एलिजिबल हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जो अभी डाउट में थे और उनको उनके रेस्पेक्टिव स्टेट ने कहा था कि आप सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो यह जो रिज़ल्ट है कुछ समय बाद वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आप यह ऑर्डर प्रिंट आउट ले जाकर अपने स्टेट के काउंसलिंग सेशन में जाकर दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप सभी लोग एलिजिबल हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो डाउट में थे वो सब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि एमसी का जो रेगुलेशन था एडिशनल बायोलॉजी के रिगार्डिंग वो अब साइट पर हट गया है। आप सभी के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है। आप सभी को अभी जो भी काउंसलिंग या मॉपअप राउंड बाकी है वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपके रैंक काफ़ी ऊपर हैं, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यह जो है फाइनल ऑर्डर है और आप सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं एमबीबीएस के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता दीजिए। यह वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ अपडेट रहे। हमारे चैनल टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।